अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब पाकिस्तानियों, आप सब मुस्लिम को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैंने अभी भी रेड रेड की वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ छोटा सा ट्यूटोरियल शेयर करूँ और कुछ टिप्स भी, कुछ तो नहीं टिप्स शेयर करूँगी। अगर तो आपको अच्छी लगें तो ज़रूर करें, फॉलो करें उसे। अच्छा, मैंने क्या अंदाज़ा लगाया है, सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर तो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का। तो मैंने क्या गैस किया है, यानी कि पिछले दिनों बारिश वगैरह हो रही थी, वो अल्लाह का हुक्म था। ज़ाहिर बात है अल्लाह का हुक्म सारा आँखों पे, और ज़ाहिर बात है बारिश तो होनी है, और बारिश हमारे लिए इतनी कारामद मुफीद होती हैं। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बारिश क्यों हो रही है, तो अभी भी माशाल्लाह बारिश हो रही थी। मैंने फ़ौरन ऊपर आके अपनी चीज़ें कवर की हैं सारी की सारी, और कुछ ट्रैक्टर थोड़े से गीले हो गए, क्योंकि देखें 14 अगस्त का डे है, बारिश ज़ाहिर बात है लाजमी होगी। लेकिन अब मैंने गैस क्या लगाया है अपने माइंड से पूरी रात सोच के कि हमें इस बारिश को चाहिए कि जब बारिशें वगैरह हो रही हो ना, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी शेप्स बनाएं, ज़्यादा बड़ी शेप्स मत बनाएं, छोटी शेप्स बनाएं, और छोटी शेप्स को इतने अच्छे से क्रम्बल करें कि देखने वाला सेटिस्फाइंग हो जाए, सेटिस्फैक्शन फील करे। तो अगर आप छोटी शेप्स बनाएंगे ना, तो अगर बारिश हो भी रही होगी ना, तो वो आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, आप इजीली इसको कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी शेप बारिशों के मौसम में बनाएंगे ना, तो आप उसको उठा सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं, वो वहीं पड़ी वेस्ट चले जाएगी, आपकी मेहनत एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं यही शेयर करूँगी, काफ़ी स्पीडली बोल रही हूँ मैं, आप लोगों से यही शेयर करूँगी कि मैंने सोचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बारिश अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो तो होनी है, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि ऐसे मौसम में छोटी शेप्स बनाऊँ जो जल्दी ड्राई होंगी, जो जिससे मेरा काम भी स्टॉप नहीं होगा और आप लोग भी बोर नहीं होंगे। तो हाँ, जब अच्छा मौसम हो तो बड़ी शेप्स बंदा बना लेता है, लेकिन अब छोटी शेप्स हैं, ड्राई भी जल्दी होती हैं और काम भी इजीली हो जाता है और टाइम भी नहीं लेती हैं। अब आप खुद बताएं, बड़ी शेप्स आप बनाएंगे ना, तो काफ़ी डेज, काफ़ी वीक्स, काफ़ी मंथ भी लग जाएं, तो खुश नहीं होंगी उस तरह से। तो आप लोग को चाहिए कि अपना चैनल को अगर रनिंग में रखना है, तो आप लोग छोटी शेप्स बनाएं जो मैक्सिमम 1 या 2 डेज जिस पर स्पेंड हो, और वो कम्प्लीटली ड्राई हो, और हमारा जो चैनल है वो भी चलता रहे, और हम भी ना स्लो हो, और हमारा काम भी ना स्लो हो, और हमारा चैनल भी ना स्लो हो। तो ये थी मेरा आज की टिप। और दूसरी टिप ये है आप लोगों के लिए कि जब हमें स्मारिस जो वाटर क्रिमलिंग कर रही होती हैं, तो करना क्या होता है, कई स्मारिस होती हैं जो वाटर क्रिमलिंग कर रही होती है, तो वो ऐसे भरती 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 पूरा टप भर जाता है, और जब आप टप को उल्टाती हैं तो वो टप टूट जाता है और आपका टप वेस्ट हो जाता है। आपकी एक एनर्जी जो आपकी लग रही होती है, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने इस काम में, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल यूज़ होती है, और आपका बहुत मुश्किल होती है। करना क्या है, आपने जब आप वाटर क्रम्बलिंग करते हैं, तो जब आप 1 या 2 या 3 बार स्क्रम्बल कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ आप मिक्सिंग करते रहा करें, नीचे से मिक्सिंग करते रहा करें, ताकि नीचे अगर जब आप मिक्सिंग नहीं ना करेंगे, आप ऊपर क्रम्बलिंग की तह लगाते जाएंगे, वो पहाड़ बन जाएगा, जम जाती है सैंड, तो जिस वजह से उसको बाद में फिर खुरेचना निकालना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए जब आप क्रम्बलिंग कर रहे होते हैं, तब आपने 2 बार 3 बार जितने भी क्रम्बल किया, साथ साथ आप उसको मिक्स करते जाया करें। जब आप उसको मिक्स करते जाएंगे ना, तो आपका जो है ना, आसानी से वो चीज़ आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप, वीडियो 4 मिनट की हो गई है। तो अब मेरे पास हैं 3 शेप्स हैं मेरे पास, और टेक्सचर मैंने इस तरह से तैयार किया है कि इसकी जो है ना शेप आसानी से निकल आए, क्योंकि बड़ी और चौड़ाई वाली शेप अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें से जल्दी चीज़ बाहर आ जाती है, लेकिन अगर आप छोटी शेप यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे पास हैं इस वक्त, ये मैंने एक शेप ये बनाई है,
ये आइसक्रीम बॉल था बड़े साइज का, इतना बड़े साइज का आइसक्रीम बॉल था। इसको मैंने हाफ कट किया है, एक मैंने ये शेप बनाई है, एक ये शेप है, ये इसको मैंने सिलेंडर शेप बनाया है। ये थी तेजाब की शीशी जिसको मैंने सिलेंडर शेप में कन्वर्ट किया, और एक ये है फांटा बोतल की शीशी सिलेंडर टाइप की, क्योंकि मेरा सिलेंडर बनाने का बहुत ज़्यादा मूड था तो मेरे सिलेंडर की शेप मिल नहीं रही थी, सो मैंने इसलिए अपना जुगाड़ लगा लिया। तो अब आप मुझे बताएं मैं कौन सी शेप बनाऊं। वैसे पहले ये वाली शेप बनाते हैं, ये वाली शेप जो है कैसी बनती है, ठीक है। अब ये देखें, ये शेप मुझे ये शेप बहुत पसंद है। जब मैं शेप ये वाली शेप क्रम्बल करती हूँ तो मेरे ज़्यादातर मैं इसको हाफ करके क्रम्बल करती हूँ, क्योंकि मेरा टेक्सचर इस तरह का। ये देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी शेप निकली। और अगर ऐसी शेप आप निकालते जाएंगे ना, आप एक शेप से दो शेप्स बना सकते हैं। आइसक्रीम बॉल है मेरा, इसको मैंने काटा है, आपने देखा होगा जिसके मैं बड़े बड़े बनाती हूँ, इसके आप दो शेप्स बना सकते हैं, हाफ करके और एक बड़ा बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, काट के दो शेप्स, एक शेप में से दो शेप निकलेंगी। तो ये हो गई। अब मैं सोच रही हूँ सिलेंडर निकाल के आपको दिखाऊं कि सिलेंडर भी निकलता है कि नहीं निकलता। सबसे पहले ये वाला सिलेंडर, इसको निकालने का पहले क्या तरीका है, इसको निकालने का ये तरीका है कि पहले आपने थोड़ा डालना है, थोड़ा डाल के इसको हल्का सा अंदर की साइड से प्रेस करना है, इतना ही दबाना नहीं है। ये देखें, आप फिर थोड़ा डाला, इसको अच्छे से आपने अच्छे से इसको प्रेस किया अंदर से, फिर ये आपके सामने मैं इतनी इसको ज़्यादा टैप नहीं कर रही। अब ये देखें, अब ये निकलता है इंशाल्लाह, वो कम से निकलेगा। इसको आपने हल्का सा ऐसे ऐसे करना है, एंड नाउ यू कैन सी दैट माई सिलेंडर लुक लाइक सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे मैंने ये सिलेंडर शेप निकाली, और इसका निकालने का यही तरीका है, ठीक है। अब दूसरी शेप भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। दूसरी शेप ये देखिए, ये जो है फांटा की बोतल मैंने काटी है, इसको भी इसी तरह से आपने हल्का सा अंदर से टैप करना है, ऐसे ये आपने टैप कर लिया, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा डाला और इसको आपने टैप करना है, फिर आपने इसको ऊपर से डाला, और ऊपर से आपने कुछ नहीं मारना क्योंकि ये पतली शेप होती है तो ये ख़राब हो जाती है साइडों से, और फिर ये निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको भी आपने ऐसे ही करना है, और ना ऊपर से ये थोड़ी सी ये चीज़ है ना कि यहाँ से थोड़ा ये मुश्किल हो गई है, कहना इतने टाइम निकालोगे तो। बहरहाल मैं इसको भी इंशाल्लाह नहीं अच्छे से निकालूंगी। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, होममेड शेप्स और कैसे इनको निकालना है, और तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मे भी आप सबको लाइक आप लोगों को आई हो, और आप सबकी बहुत बहुत सपोर्ट का शुक्रिया। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे ऐड को, वीडियो को अगर पूरा नहीं देख सकते तो हाफ ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए, और अगर मेरा ऐड पूरा नहीं देख सकते तो वो भी आप हाफ ज़रूर देखा करें, क्योंकि हमारा काम आपके लिए करना, और आपका जो हमारे लिए सपोर्ट प्यार है वो है हमारे ऐड्स। अगर आप वो उसमें थोड़ा सा हमारे साथ एप्रिसिएशन आपकी थोड़ी सी हमारे साथ ऐड आप कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत, वो हमारे लिए हौसला अफजाई होगी, फिर सोने में सुहागा भी हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, आई होपफुली आप सबको अच्छा लगा, और आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक किस्मा का प्यार, आप सभी फैमिली की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ हूँ, अल्लाह की सपोर्ट के बाद, अल्लाह जी की सपोर्ट के बाद आप लोगों की सपोर्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूनिक किस्मा का काम, यूनिक किस्मा के काम को मैं जानती हूँ बहुत आप सब लाइक करते हैं, तो खुशी होती है आप सबकी, अच्छा फीडबैक आप सबका पढ़ के। तो रेड टिंकल ASMR के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, रेड क्वीन ASMR उसके भी जल्दी से 1K करवा दें, वो सारा दिन मेरे साथ लड़ती ही रहती है कि मेरा 1K नहीं हो रहा, मेरा 1K नहीं हो रहा। तो और मोडी ASMR को भी सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।